नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां पर ना तो पैसा चलता है, ना कोई सरकार चलती है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात पात है और ना ही कोई ऊंच नीच है। दोस्तों, ये शहर दुनिया में और कहीं नहीं भारत में स्थित है। जी हाँ, पांडुचेरी से 12 किलोमीटर दूर ऑराविले नाम का ये शहर सबसे अलग है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग घूमने और रहने आते हैं। यहाँ पर अलग अलग देश, भाषा, रंग और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। शांति और सुकून की तलाश में दुनिया भर से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। वैसे भी राजनीति, धर्म और पैसा ऐसी चीज है जिसके कारण ही आज दुनिया भर में लड़ाई झगड़े और अशांति है। तो यहाँ पर आकर लोग एक अलग ही प्रकार के अनुभव को प्राप्त करते हैं। इस शहर में ना तो कोई चुनाव होता है और ना ही यहाँ पे पैसे के लिए कोई झगड़ता है। दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी ही अजीब लगती है कि लोग किसी शहर में बिना पैसे, बिना सरकार और बिना किसी भेदभाव के कैसे रह सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों और शहरों में सरकार, पैसा और कोई ना कोई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन भारत का ऑराविले एक ऐसा यूनिक शहर है जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, साथ में रहते हैं और अपनी पसंद के कामों को करते हैं। कई लोग तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते, फिर भी मिलजुल कर काम करते हैं। दोस्तों, ये शहर चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दूर और पांडुचेरी से 12 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस शहर का निर्माण मीरा अल्फासा द्वारा 1968 में श्री अरबिंदो सोसाइटी की परियोजना के रूप में करवाया गया था। इस शहर को बसाने का मकसद ये था कि यहाँ पर सभी इंसान जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के बिना रहे। यहाँ पर लोग अपनी पसंद के काम करते हैं। जैसे अगर किसी को खेती करना पसंद है तो वो खेती करता है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है वो पेंटिंग करता है, किसी को योगा करना पसंद है वो योगा करता है, किसी को घूमना फिरना पसंद है वो घूमता फिरता है। यानी यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता, सब लोग अपने हिसाब से अपने कामों को करते हैं। और अगर किसी इंसान को कुछ चाहिए तो वो दूसरे इंसान से लेके उसके बदले कुछ और सामान उसको देता है, या फिर उस इंसान से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो फ्री में ही उसको कुछ सामान दे दे, क्योंकि इस शहर में पैसे नहीं चलते हैं। इस शहर के जो ज्यादातर घर हैं वो लोगों ने खुद ही मिलकर बनाए हैं। इस शहर के बीचों बीच मात्र मंदिर भी स्थित है, लेकिन ये मंदिर धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ पर लोग योग साधना करने और शांति में बैठने के लिए आते हैं। ऑराविले का अर्थ होता है नव जीवन की नगरी, यानी ऐसा मॉडर्न टाउन जहाँ सब लोग समान हों। जब इस शहर को बसाया गया था उस समय यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता था। यही कारण है कि लोग इस शहर की ओर आकर्षित होते चले गए। अब इस शहर में दुनिया के करीब 50 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। अब इस शहर की आबादी लगभग 25,000 के करीब है, जबकि 2007 में इस शहर की आबादी करीब 2,000 थी। ये शहर भारत के सबसे अनोखे शहरों में से एक है। यहाँ पर घूमने के लिए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी आए हुए हैं। है ना ये शहर दुनिया का एक सबसे अनोखा शहर। दोस्तों, आप ऐसे समाज के बारे में क्या सोचते हैं जहाँ पे धर्म, सरकार और पैसा ना हो? तो दोस्तों, आप इस शहर के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।